नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन। तीन दिन से लगातार सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में लड़ाई का जो सिलसिला था वो जारी था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ग्राम जो प्रधान है वो भी मौजूद है और जो समाज सेवी है वो भी मौजूद है। शुरुआत यहाँ से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राठौर समाज से भूपेंद्र राठौर जी। क्या कुछ है पूरा मामला? देखो, पहले तो डीसीपी न्यूज का तहे दिल से पूरे समाज की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकाल के हम सब समाज की लोगों की बात उठाने हैं। कम से कम तीन दिन से वाला प्रकरण चल रहा है। हमारे क्षेत्र का एक भाई है जिसको देवभूमि कॉलेज में मारपीट की जाती है। उसके साथ मारपीट करने के बाद उसकी जो वीडियो थी मारपीट की, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की जा रही थी। फिर हमारे क्षेत्र के, देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा तो कैमरा पास करे, देखिए ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के समाज सेवी हैं जो कहीं ना कोई प्रयास कर रहे हैं। कुछ इनमें क्षेत्र के फिलहाल हाल ही में जनप्रतिनिधि भी हैं जो कहीं ना कहीं जनता की आवाज सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। हम लोग झाझरा चौकी पहुंचे हैं। झाझरा चौकी में भी तीन लोगों को तो शायद गिरफ्तार कर लिया है और अभी और लोगों को भी गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। हमारा समाज नहीं चाहता कि किसी के बच्चे का फ्यूचर खराब हो, वो भी किसी माता पिता के बच्चे हैं, पर जो उन्होंने गलती की वो छोटी सी गलती कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए बहुत बड़ा हादसा बन सकता था। एक बेटा कहीं ना कहीं पूरे परिवार से जुदा हो सकता था सिर्फ उनकी गलती से कि कॉलेज में लोग जो है लड़के क्या करते हैं भाई साहब, नशा कर लड़ाई करते हैं। तो बाकी पूरा मामला ये हमारे साथ भाई साहब हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रही वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट का जो ये वीडियो है किस तरह से वायरल हो रहा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान, ग्राम के जो प्रधान हैं। क्या कुछ रहा प्रधान जी पूरा मामला? हाँ, ये जो आपका देवभूमि कॉलेज है इसमें लड़का पढ़ता है ऋतिक राठौर, वो ग्राम मलुकावाले का निवासी है, तो उसके साथ बिना वजह मारपीट की गई है। दो पक्षों में विवाद चल रहा था, तब उसने आकर के गार्ड से कहा कि गार्ड साहब वहां पर मारपीट हो रही है, जरा आप उसको देख लें। बस इतना कहते ही वह लोग एक पक्ष आकर के इस ऋतिक राठौर के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला किया, जिससे लड़का घायल हो गया। और जब ये लड़का घायल हुआ तो हम लोग इसी संदर्भ में जब देवभूमि स्कूल में गए तो वहां पर हमने गार्ड साहब से बात करी, तो गार्ड साहब ने बोला कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है। तब हम स्कूल प्रशासन ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? उसके उपरांत जब हम लोग स्कूल में कॉलेज में गए तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल या जो उसके हेड लोग थे उन लोगों ने हमें से कहा कि हम लोगों ने एक कमेटी बना दी गई है और वह कमेटी एक आध हफ्ते के अंदर डिसाइड करेगी कि हम जिन छात्रों ने मारपीट की उनको हम टर्मिनेट करेंगे और स्कूल से बर्खास्त करेंगे। और इस संदर्भ में तब हम लोगों ने SSP महोदय देहरादून और चौकीदार झाझरा से बातचीत की, तो उन लोगों ने भी कार्रवाई की आश्वासन देते हुए हम लोगों को आश्वस्त किया था। तो आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए थे तो आज तीन लड़कों को बंद कर लिया गया था और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक ग्राम समाज के जो सेवक हैं, समाज सेवक जिनको कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा इनके साथ कैसा सहयोग किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। पुलिस प्रशासन ने हमारी हर बात को माना और पुलिस प्रशासन के उससे ही आज जो बच्चे पकड़े गए इसमें जो कार्रवाई की गई पुलिस की ही कार्रवाई, जो हमारे चौकी प्रभारी या चौकी इंचार्ज जो रहे इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, इस वजह से हम इसका जो झाझरा चौकी है इनका भी धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ रहा आज का प्रकरण, क्या रहा फैसला रहा या मुकदमा हुआ, क्या कुछ रहा? वैसे तो मुकदमा ही था, लेकिन हमने बच्चों को संज्ञान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों को भविष्य ना खराब हो जाए इसलिए हमने जो है उसे बच्चों के मामले को ध्यान रखते हुए वो मामला हमने फैसले में आपसे समझौते में ही यहाँ पे निपटा दिया। क्या कुछ ये देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का मामला था और मामले के बारे में सारा बताई दिया कि कैसे कैसे सारा प्रकरण हुआ है, लेकिन जब हम आज चौथी बार यहाँ झाझरा चौकी में आए, यहाँ पे पुलिस प्रशासक की तरफ से हमें बहुत अच्छा आश्वासन भी दिया और उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई भी की, लेकिन अभी जो मौजूद जो यहाँ पे तीन छात्र थे यहाँ पे उन्हीं का ही हुआ, उन्हीं से हमने बातचीत करी, उनके पेरेंट्स आ रखे थे, उनके गांव से भी कुछ लोग आ रखे थे, बैठ के बातचीत की
और कुछ हद तक इन कुछ और बच्चों को अभी आना बाकी है, लेकिन इनके साथ जो जो भी हुआ जैसे हुआ उसको हमने करीब करीब समझौता हमने संतुष्टि कर ली है। चलिए, ये पूरा प्रकरण था झाझरा चौकी का। मोहम्मद मोहसिन, डीसीपी न्यूज।